नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। यूपी के शिक्षा विभाग में अनामिका शुक्ला के नाम पर हुए फर्जीवाड़े के मामले में अब सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। जी हां, और ये खुलासा ये है कि जिस अनामिका शुक्ला के नाम पर भ्रष्टाचार का पूरा खेल खेला गया और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की तनख्वाह हजम कर ली गई, असल में वो बेचारी अनामिका शुक्ला खुद बेरोजगार है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में 25 स्कूलों में एक साथ पढ़ाने का आरोप झेल रही अनामिका शुक्ला अपने पति के साथ मंगलवार को गोंडा जिले में मीडिया के सामने आई और खुद को बेरोजगार बताया। गोंडा BSA डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति के सामने पेश होकर अनामिका शुक्ला ने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए और फर्जीवाड़े को लेकर नगर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया। साथ ही अनामिका शुक्ला के पति ने खुलासा किया कि उसने साल 2017 में नौकरी के लिए आवेदन जरूर किया था, मगर उसका बच्चा छोटा होने की वजह से नौकरी ज्वाइन ही नहीं की थी। भ्रष्टाचार के इस मामले को लेकर योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जहां ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर हमला बोला और मामले को भ्रष्टाचार की इंतहा बता डाला। शिक्षा प्रणाली में हो रहे भ्रष्टाचार के खेल को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट के जरिए सरकार पर हमला बोला है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी ट्वीट करके योगी सरकार से सवाल पूछा है और CBI जांच की मांग कर डाली है। कस्तूरबा गांधी स्कूल में प्रॉक्सी नियुक्तियों की आड़ में हुए इस पूरे घोटाले में पुलिस ने 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया और 9 प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में एक कासगंज से गिरफ्तार एक फर्जी शिक्षिका भी शामिल है, जिसका असली नाम सुप्रिया जाटव बताया जा रहा है। वाकई भ्रष्टाचारियों ने गजब का कारनामा कर डाला। जिस अनामिका के नाम पर ये पूरा खेल हुआ, वो अनामिका बेरोजगार है और 25 फर्जी अनामिका सरकारी खजाने को लूटती रही। पिछले 13 महीनों से 25 अलग अलग स्कूलों से तनख्वाह भी लेती रही, लेकिन शिक्षा विभाग की नींद तब टूटी जब डिजिटल डाटा तैयार किया गया। मतलब कि अगर डिजिटल डाटा तैयार नहीं होता तो जो शिक्षा विभाग का ये काला कारनामा शायद कभी सामने ही नहीं आता। वहीं इस पूरे घोटाले में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया और घोटाले से प्रभावित विभिन्न जिलों में 9 प्राथमिकी दर्ज की है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दरअसल यूपी के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अनामिका शुक्ला नाम की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर पिछले 13 महीने से 25 अलग अलग स्कूलों से सैलरी लेती रही, लेकिन शिक्षा विभाग में किसी को इसकी जानकारी तक नहीं लगी। इस शिक्षक ने लगभग 1 करोड़ से अधिक रुपए कमा लिए। इसका खुलासा तब हुआ जब शिक्षकों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया गया। तब विभागीय अधिकारियों को पता चला कि अनामिका शुक्ला नामक अध्यापिका तो यूपी में अंबेडकर नगर, प्रयागराज के साथ सहारनपुर, बागपत, अलीगढ़ समेत कई जिलों के 25 विभिन्न स्कूलों में पढ़ा रही है। अनामिका शुक्ला कांड से ये सवाल उठ रहे हैं कि बिना अधिकारियों की जानकारी के 13 महीनों तक कैसे 25 स्कूलों में एक ही शिक्षक के नाम पर पोस्टिंग होती गई। शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो बिना अधिकारियों के मिली भगत के प्रॉक्सी टीचर की पोस्टिंग कैसे संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज़।